कैसे हो तुम सब? बताओ जरा, बिछड़े कभी तो कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों। मौत ना आई हाय, तेरी याद क्यों आई लंबी जुदाई। लंबी जुदाई का टाइम खत्म हो चुका है, लाइव आ जाओ। बहुत दिन हो गया, मैं जानता हूँ, बहुत ही ज्यादा दिन हो गया यार लाइव चैट करे हुए। और लेकिन कोई ना यार, फैमिली तो यही है अपन सब, तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ। बहुत दिनों में तो क्या हुआ, आज कर लेते हैं। बड़े दिनों के बाद इन क्या याद, चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी, आई है लाइव चैट, आई है, आई है लाइव चैट, आई है। अब जल्दी से तुम हाय वाय कहना शुरू कर दो, नहीं तो मैं ऐसे ही वाहियात से मतलब कुछ भी गाने गाता रहूंगा। तो जी, पहला हाय आ चुका है मुझे, और पहला हाय आज तरुण शर्मा का। हाय तरुण शर्मा, हेलो हितेशी सिंगोरिया, उन्होंने ही का ही, हितेशी का शुरुआत का ही, वाह। निशांत पटेल, हे भाई। दीपक जगह, हेलो मोहित। निव्या राठा, हाय मोहित कह रही है, हाय निव्या राठा, लव यू हितेशी सिंगोरिया। थैंक यू आयुष वर्मा, आयुष वर्मा कह रहे हैं लुकिंग नाइस। थैंक यू यार, मैं तो देख क्रेजी हूँ यार, देख अजीब से बाल हो रखे हैं, मतलब पसंद है मुझे ऐसे टेढ़े मेढ़े। वो क्या है, कुरकुरे का टेढ़ा है पर मेरा बेड़ा है, टेढ़ा है पर मेढ़ा है, नहीं टेढ़ा है पर मेरा है। हाँ तो जी, ऐसा ही है सब। मानसी महाराणा कह रही, हेलो हाउ आर यू, मैं एकदम अच्छा हूँ मानसी, तू कैसी है। मौर्य वैभव, हेलो, हाय कोमल सक्सेना, हाय ज्योति ज्योति ज्योति, हाय अनमोल अग्रवाल, हाय निकिता वर्मा, मेरा वर्मा कह रही है हाय बेबी, हाय बेबी, हेलो बेबी। शालू आनंद, हेलो मोहित, लव यू, कब से वेट कर रही थी मैं भी यार, पता है शालू, मतलब बहुत दिन हो गए थे यार लाइव चैट करी थी, तो मैं ही वेट कर रहा था कब अपन सब वापस से मिलेंगे, बातें बातें करेंगे, और मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, तुम मुझे कुछ बताओगे, और मतलब वही जो अपन करते हैं लाइव चैट में बकर। रुको यार, ये क्या बाल फटना कुछ ज़्यादा अजीब हो रहे हैं। अरे यार, एक तो मेरे को आदत, मेरे को अच्छा लगता है यार सेल्फी में ऐसे, मतलब दिखती ना शक्ल तो ऐसा लगता है यार सुधार लूँ, जब शक्ल दिखती है ऐसा लगता है सुधार लेता हूँ यार इसको। चलो तो ऐसा होते ही ना, सबके साथ में नहीं होता, मेरे साथ होता है यार, पता नहीं क्यों। तो ऐसा सब है, ये टेढ़ी मेढ़ी और हो रही है मुझे यार। एक्चुअली क्या, अभी मैं लाइव चैट के लिए रेडी नहीं था, मैं बाहर कुछ शॉपिंग करने गया था, तो मुझे शॉपिंग करने का थोड़ा सा शौक है, तो शॉपिंग करने गया था, और थोड़ा इस वजह से लेट भी हो गया था, 9 बजे मैं एग्जैक्टली आ नहीं पाया था लाइव चैट के लिए। तो मैंने कहा कि जैसे ही घर पर पहुंचूंगा वैसे ही लाइव चैट शुरू कर दूंगा मैं तो, और जैसे ही घर पर पहुंचा लाइव चैट शुरू कर दी। अब हाल वाल भी नहीं देखा मैं तो, बस डायरेक्ट हैशटैग सुपर संडे एमजी डाला और चालू कर दो बस। अरे यार, ये टेढ़ी मेढ़ी हो रखी है, कोई दिक्कत नहीं, तो नहीं है, सीधी भी हो जाएंगी सीधी। वो क्या, इश्क अनप्लग में मैंने मैंडी का रोल किया था ना, तब से मेरी पता नहीं क्यों पंजाबी एक्सेंट आ जाता है, जबकि मैं सब बोलता नहीं कभी भी, और सीधी नहीं, पर वो क्या है, वो आदत पड़ गई उस टाइम से, तो छूट ही नहीं रही, जा ही नहीं रही, बताओ। हाँ, आर्यन वीर मनीष आचार जी, रिजुन आर्यन जून कह रहे हाय ब्रो हाउ आर यू, हाय ऋषा बंसाली, हाय प्रवीण खरे सर, प्रवीण खरे सर मेरे टीचर हैं, मतलब कॉलेज के, और वो हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाया करते थे अलग अलग सेमेस्टर में, अलग अलग सब्जेक्ट्स, और मतलब वन ऑफ दी बेस्ट टीचर्स में से एक थे हमारे, सबसे कूल डूड, मतलब एकदम मस्त फ्रैंक, और मतलब मुंह पे बोलते थे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड ही इज एन आर्टिस्ट टू। और वो अभी लाइव चैट देख रहे हैं, उनका कमेंट अभी आया, तो मेरे को तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है, प्रवीण सर आप लाइव चैट देख रहे हो तो, और यार आपका कमेंट बहुत अच्छा लगा यार, भले हंसने का था, देखो आप तो जानते हो आपका स्टूडेंट ऐसा ही है, अब क्या करूं मैं। कोमल सक्सेना कह रही है प्लीज कपकेक सॉन्ग गाओ ना। कौन सा कपकेक सॉन्ग गाऊं यार, वो तो गाता ही रहता हूँ, कोई और सॉन्ग बोलो तो गा दूंगा, बताओ जरा। अर्जुन मुकुकसवाल कह रहे हैं मोहित मूछो वाला। हाँ यार, मोहित मूछो वाला ही रह गया, बताओ मूछो वाला। हाय प्रीता बर्मन, हाय पायल शिर कौंड, पायल ने अभी शेयर किया है वीडियो, तो पायल थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द वीडियो, और जितने भी लोग अभी देख रहे हो यार, और मतलब शेयर कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो और देख भी रहे हो ना, उन सबको पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, और इतने दिनों बाद अपन लाइव चैट करें, तो यहाँ पर बने रहने के लिए और आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।
आईवी अनंत कह रहे हैं हेलो सर, थोड़ा वक्त निकाल कर मेरा भी नाम ले लो सर। पल्लवी सिंह बैकग्राउंड इज डिफरेंट टुडे। हाँ यार, पता है वो घर में मैंने पोस्ट डाली थी ना, घर में पेंटिंग वेंटिंग हो रही है, तो मतलब पेंट पेंट हो गया अभी, तो एकदम अलग हो गया सब कुछ, बैकग्राउंड बैकग्राउंड। तो परितोष जोशी कह रहे हैं मैंने अपनी बंदी को तेरा गाना ही गिटार पर सुनाकर फंसाया था यार। कौन सा गाना सुनाया था और कौन से गाने से फंसाया था परितोष जोशी, है बताओ जरा मुझे भी। शुभांगी कुरेल कह रही है कोई भी सॉन्ग गा दो यार प्लीज, कोई भी सॉन्ग, मतलब कोई भी गा दो। कोई भी सॉन्ग तो कौन सा गाऊं, रुको। नितेश पत्रा कह रहे हैं फिर मुझे दिल से पुकार तो सॉन्ग थोड़ा सुनाओ। हाँ ऐसा क्या, रुक जा। इस इश्क में मैं हूं नया, आकर मुझे सलीके से खा, बहता रहूं तेरी मौज में, तू सांसों के सफीने चला, कश्ती मैं पतवार तू आले चल सुपार तू, तेरे जैसा मैं बन जाऊंगा, हौले हौले थोड़ा सा सुधार तू, फिर मुझे दिल से पुकार तू, कह दे मेरा एक बार तू, तेरे जैसा मैं बन जाऊंगा, हौले हौले थोड़ा सा सुधार तू। तो गाना तो गा दिया, अब ना थोड़ी सी बात बात हो जाए यार, बहुत दिनों से बात ही नहीं करी अपन ने यार गाने, तो तुम फिर भी मतलब सुनते रहोगे यूट्यूब पर, बात कैसे करोगे मुझसे, ना मैं तुमसे बात कर पाऊंगा, यही अपना एक टाइम होता है जब बात कर पाते हैं अपन यार। एक तो ना ये क्योंकि मैं रेडी होकर नहीं आया, तो मुझे थोड़ा सा छोड़ो यार ऐसे, ठीक है। तो पहले तो तुम ये सब बताओ, तुम सब बताओ तुम सब कैसे हो, मैं मेरे से जो पूछना है पूछो, मैं सब कुछ बताऊंगा, पर पहले तुम सब बताओ कि तुम सब कैसे हो, ठीक है। अंकित शर्मा कह रहे गाना तो गाले कब आएगा, मुझे उस वीडियो में रहना है। अरे अंकित शर्मा बिल्कुल यार, और तुम सब आओगे उस वीडियो में, फीचर कर सकते हो, और वो कैसे कर सकते हो यार, लेकिन उसके लिए तो मैं थोड़ा सा एक स्पेशल पोस्ट का वेट कर रहा हूँ। अच्छा अब एक्चुअली हुआ क्या, मैं तुमको बताता हूँ। देखो मैंने पोस्ट डाली थी ना जिस दिन की गाना तो गाले रेडी हो चुका है और हम मतलब तुम सब उस वीडियो में फीचर करोगे, तो हुआ क्या था, गाना तो गाले का ऑडियो जो हम अपलोड करने वाले थे पूरा ऑलमोस्ट रेडी था, पर फिर हम मैंने और अर्चित भैया ने और हमारी पूरी टीम ने ना उस गाने को सुना और हम सेटिस्फाइड नहीं रहे, हमको लगा कि यार इसमें कुछ तो कमी है, तो अब उस कमी को दूर करने के लिए वापस से उसको मिक्स मास्टर करवाएंगे। मिक्स मास्टर एक प्रोसेस होता है जिससे गाना और अच्छा मतलब साउंड कर देता है, तो मिक्स मास्टर भी करवाना है उसको वापस से, और मेजरली है कि उसको वापस से री रिकॉर्ड करना है। मतलब मैंने जो गाया था ना वो ठीक था, पर यार ठीक नहीं चाहिए मुझे, हम सबको चाहिए कि और अमेजिंग हो, मतलब तुम सब गाना अच्छे से सुन पाओगे, तुम्हें अच्छा लगे तभी तो तुम गाना गाओगे ना अच्छे से, तो अभी मैं उसको री रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो री रिकॉर्ड करने की वजह से उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है, इसलिए ना थोड़ा सा डिले हो गया प्रोसेस, पर बिलीव करो कि ये जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो टेंशन नहीं लेने का बस, ज़्यादा थोड़े से दिन और वेट कर लो, गाना तू गा ले जो आएगा बेस्ट आएगा। देखो हम तो ये चाहते हैं मतलब ठीक ठाक काम नहीं करना है, अच्छा काम नहीं करना, बेस्ट ही करना है, तो अभी बेस्ट के लिए थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, तो करते हैं साथ में, मैं भी उतना ही वेट कर रहा हूँ जितना तुम कर रहे हो। मतलब मुझे भी यार बहुत जल्दी थे कि गाना तो गा ले रिलीज हो जल्दी से, फिर तुम सब उसको गाओ, अपने अपने वीडियोस मुझे गा गा कर सेंड करो, कैसे कि मतलब गाना तो गा ले मतलब चल रहेगा, जैसे गाना तो गा, ओ शिट, मतलब मुझे धुन अभी नहीं बतानी थी, तो ऑडियो में बतानी थी, और मुझे यह ध्यान नहीं रहा कि मतलब बोल दिया ऐसे ही गाना। तो अरे यार ये तो मतलब गाना ऐसा है, मतलब गाना तू गा ले इस तरह का गाना, मतलब ऐसी उसकी धुन है, और जब वो आएगा ना और उसका ऑडियो आएगा तो उसको सुनना है, उसको लर्न करना है, और उसके ऑडियो के साथ में तुम सबको गाकर रिकॉर्ड करना है, वो पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा, पर उससे पहले ऑडियो की ज़रूरत है, और वो ऑडियो हम प्रिपेयर कर रहे हैं वापस से री रिकॉर्ड कर रहे हैं, पूरा फाइनल हो चुका था वोकल्स, उसको वापस से करना पड़ेगा, क्योंकि यार देखो जब तक दिल सेटिस्फाइड नहीं करना तब तक नहीं करना चाहिए काम, अपना बेस्ट करना चाहिए हर बार, तो बेस्ट के लिए थोड़ा सा और रेस्ट करेंगे। मोहम्मद आमिर कह रही है लवली सॉन्ग देना बाबा,
मौर्य वैभव कह रहे हैं भैया आप तो जज्बाती हो गए। अरे यार अब मैं जज्बाती हूँ थोड़ा सा, इमोशनल आदमी सब होते हैं यार, सबके अपने अपने इमोशंस होते हैं, मेरा गाने से जुड़ा हुआ है। और अनमोल अगर है थोड़ा आइडिया लग गया, वाह अच्छा है अच्छा है अच्छा है। सोनल थावर कह रहे हैं प्लीज टेल माय नेम। प्रशस्ति पाठक कह रहे हैं आज रिप्लाई नहीं दोगे ऐसा मतलब? ऐसा नहीं है यार, मेरे को अभी कमेंट दिखेगा तो मैं जरूर रिप्लाई करूंगा ना। राकेश हल्दार एंड 16 अदर्स जस्ट शेयर्ड योर वीडियो, तो थैंक यू राकेश हल्दार और जितने भी लोगों ने वीडियो शेयर किया है उन सबको बहुत बहुत थैंक यू। और देखो अब तो मैंने तुमको बता दिया गाना तो गाले का ऐसा सा सीन है, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम सब बताओ कि तुम सब कैसे हो। इतने दिन अपन ने बात बात नहीं करी, तो इतने दिन की बात बात आज दिल से निकलवाना चाहता हूँ मैं, तो तुम प्लीज मुझे बताओ कि तुम सब कैसे हो। जो भी तुम चीज शेयर करना चाहते हो अपने बारे में, जो भी तुम्हारे दिल की इच्छा है बोलने की वो बोल डालो। हफ्ते में एक ही बार तो अपन ऐसे इस तरह से मिलते हैं ना, तो होना चाहिए। उन्हें मैंने कुछ बताया तुम भी बताओ, तुम सब बताओ कि तुम सब कैसे हो, क्या चल रहा है लाइफ में, सब बढ़िया नहीं बढ़िया, टेंशन है तो टेंशन बताओ मुझे, नहीं है टेंशन खुशी की हुई बात है तो वो बताओ मुझे, अपने अपने इस वीक का या इन एक दो वीक्स का बेस्ट मोमेंट शेयर कर दो, कुछ सुनाओ अपनी। हाँ ये अच्छा लगा मुझे, कुछ सुनाओ अपनी, कुछ सुनाओ अपनी। मोहित तो सुनाता रहेगा आज, तुम सब कुछ अपनी सुनाओ। तो राज करमारकर एंड 19 अदर्स जस्ट शेयर योर वीडियो, थैंक यू राज करमारकर और जितने भी लोगों ने वीडियो शेयर किया है। अमन पारिक कह रहे हैं इकोनॉमिक्स का पेपर है कल। अच्छा अमन भाई ऑल द बेस्ट तुझे, और अच्छे से एग्जाम देना भाई, मस्त बढ़िया। और कोमल जैन कह रही आप कैसे हो? मैं एकदम अच्छा हूँ कोमल, आप सब कैसे हो आप बताओ प्लीज। मोहित भाई, आदित्य गुप्ता कह रहे हैं मोहित भाई छोटे सिटी इंदौर कब आ रहे हो आप, जल्दी आना, आई एम वेटिंग। आदित्य गुप्ता बिल्कुल यार, इंदौर में एक बार आया भी था रॉ स्टार के टाइम पे, और शायद उसके बाद में एक और टाइम भी आया था मैं इंदौर, और मुझे इंदौर की पोहे जलेबी बहुत पसंद है और इंदौर की क्राउड बहुत पसंद है। इंदौर की अपनी बहुत ही स्पेशल एक फ्रेंड है खुशबू तोलानी, जो अपनी फैमिली की मेम्बर है, और वो शुरुआत रॉ स्टार की शुरुआत से अपन को बहुत बहुत प्यार करती हैं और बहुत मतलब सपोर्ट किया है उसने, तो खुशबू तोलानी की जैसे मुझे इंदौर ज़रूर याद है, वो इतनी स्वीट हार्ट है मतलब। प्रशस्ति पाठक कौन है ये लड़का, लड़का हो बातें कर रहा वीडियो पे वो बताओ पहले। हाँ ताना है ये आपके लिए, ऐसा कोई गाया होता है मिस्टर इंडिया के लिए, ऐसा कोई गायब होता है क्या मिस्टर इंडिया के जैसे? अब यार हो गया, अब देखो मैं थोड़ा उसी गाने में लगा हुआ था, और गाना तो गाने में लगा हुआ था और एक और सॉन्ग है उसमें भी लगा हुआ था, वो एक और सॉन्ग क्या है मैं यार ऐसे मैं ना इतनी जल्दी एक साथ सब नहीं बताना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा वेट करवाना चाहता हूँ, पर वो ये समझ लो कि शायद मदर्स डे से रिलेटेड कुछ है, मतलब मदर्स डे आने वाला है ना मई में, तो मदर्स डे से रिलेटेड हो सकता है वो एक और गाना, तो गाना तू गाले भी आ रहा है और एक और गाना भी आ रहा है मदर्स डे के से रिलेटेड। यू नो टू डू सॉन्ग्स कमिंग अगेन सुन सुन वेरी सुन, तो ऐसा कुछ है। प्रतिमा कोहली कह रहे हैं बिल्कुल अच्छे हैं एज लाइक यू, बढ़िया यार। और शुभम सराफ कह रहे हैं भाई बहुत बार पूछ लिए प्लीज बताओ ना भाई कोलकाता कब आओगे आप। शुभम यार मुझे खुद को नहीं पता, कोलकाता में कोई भी गिग होता है तो मैं जरूर आता हूँ कोलकाता, नहीं तो कभी घूमने के लिए भी आ जाऊंगा मस्त, वहाँ की मिष्टी दोई खानी मेरे बहुत पसंद है मिष्टी दोई। और कोलकाता में अपने बहुत प्यारे दोस्त भी रहते हैं, मतलब बहुत सारे, तान्यागिरी भी कोलकाता से है, मुझे तान्यागिरी के जैसे भी कोलकाता बहुत याद है, वो भी अपनी फैमिली की बहुत पुरानी मेंबर है और बहुत ज्यादा प्यार करती है अपन को, बहुत सपोर्ट करती है, तो तान्यागिरी हर बार लाइव चैट में, ऑलमोस्ट हर बार लाइव चैट में आती हैं। मैं लास्ट टाइम कोलकाता शो करने गया था तो उनसे मिला भी था, वो अपने डैड के साथ आई थी, उन्होंने गिफ्ट भी दिया था, शायद मैंने लाइव चैट में बताया भी तुम सबको। इंजीनियर सुरभि झावर कह रही है हेलो न्यू सॉन्ग मच एक्साइटेड वेटिंग फॉर यू लव यू बड़ी, बस एक विश है, क्या विश है सुरभि झावर बताओ। अंकिता हेय दिस इज अंकिता फ्रॉम वेस्ट बंगाल, माय एग्जाम आर गोइंग ऑन, ऑल द बेस्ट अंकिता। प्रियंका सरजेकर कह रही है एग्जाम स्ट्रेस यार, ओए एग्जाम स्ट्रेस नहीं लेने का प्रियंका, एग्जाम में स्ट्रेस नहीं लेने का यार, अगर तेरे को देखा अगर तेरे को स्ट्रेस लेने से अच्छा लगता है तो स्ट्रेस ले, नहीं लगता है तो मत ले, जो अच्छा लगता है ना वो करने का, मतलब जो अच्छा लगता है करने का बस मस्त। एविन आनंद काने कह रहे हैं हाय ब्रो योर कपकेक सॉन्ग वाज जस्ट ऑसम ऑल टाइम फेवरेट, थैंक यू सो मच एविन। अमन पारिक क्या सुनाओगे रॉक या क्लासिकल, है मतलब
तानिया गिरी कह रही है बीएड का प्रैक्टिकल्स ने दिमाग खराब कर रखा है यार। अरे यार दिमाग खराब नहीं करते, एग्जाम्स को नाम टेंशन लेकर नहीं देने का। देखो कोई भी काम ना टेंशन लेकर नहीं देने का। हाँ देखो अगर तुम्हें टेंशन लेकर अच्छा होता है तुमसे, कई लोग होते हैं जो स्ट्रेस में ना और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, तो उनके लिए स्ट्रेस लेना चलेगा। तुमको स्ट्रेस लेकर काम नहीं होता है तो मत लो यार, ये सब नहीं करते अपन। रित्विका डीरिज एंड 23 जस्ट शेयर योर वीडियो, थैंक यू रित्विका डीरिज, और जितने भी लोगों ने वीडियो शेयर किया हम सबको बहुत बहुत थैंक यू यार। और वीडियो शेयर करने के लिए थैंक यू, कमेंट्स करने के लिए थैंक यू, लाइव चैट पर बने रहने के लिए थैंक यू। तो चीज सिंह कहने कपकेक, मेरी बिग सिस्टर की मैरिज है 23 को लखनऊ में, आपको आना है प्लीज। अच्छा देखो तोशी सिंह ने इतनी प्यार से इनविटेशन भी दिया तोशी, लेकिन सॉरी यार मैं पता है यहाँ सारे काम यहाँ मुंबई में है ना अपने अटके हुए, अभी तुम सबके बहुत सारे सॉन्ग्स भी बनाने के हैं तो इसलिए मैं आ तो नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम्हारी सिस्टर को और तुम्हारी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से बहुत सारी कंग्रेचुलेशन, मेरी नहीं अपनी पूरी इस फैमिली की तरफ से। ठीक है बढ़िया बात है यार, शादी वादी हो रही है बताओ। मैं तो यार शादी में एक ही चीज़ अच्छी लगती है सच बताऊँ तो, देखो खाना, शादियों का खाना बड़ा टेस्टी लगता है। मतलब जब जाते थे ना हम फैमिली के सबके साथ में कहीं शादी है, भैया भाभीया की मतलब भैया वगैरह की किसी की या कज़न वज़न की, तो ये यार खाना बढ़िया मिलेगा। और वहाँ पे वो पान भी मैं बहुत खाता था पहले और कॉफ़ी भी पीता था, अच्छी लगती थी यार। और दाल रोटी तो मेरी फेवरेट है, तो वहाँ तंदूरी रोटी मिलती थी और दाल, अरे यार मतलब ऐसे शादी में तो मैं सिर्फ खाना खाने जाता था, अब तो मतलब सीन ही अलग हो गया। तानिया गिरी कह रही है स्ट्रेस में मैं बीमार पड़ जाती हूँ, अब तुमने कहा है टेंशन नहीं लेना तो नहीं लेंगे टेंशन, वाह ऐसा बढ़िया। परोतिमा घोष आज भी नेम नहीं लिया। अमन पारिक कह रहे हैं बारिश गाओ बारिश गाओ, अच्छा उनके दो तीन कमेंट आए बारिश गाओ के। अरे भाई मेरे को लेकिन आता नहीं है बारिश गाना यार, मैं नहीं तो गा देता। मैं तो बारिश दूसरा आता है, कौन सा बारिश, पुराना बारिश था यार वो भूल गया मैं। आदर्श किरण राजपुरोहित कह रहे हैं ए सुनो ना मोहित दादा, सुनाओ मोहित मोहित दादा को आदर्श क्या कह रहे हो तुम। रिमझिम कह रही है मेरी बर्थडे 21 अप्रैल को है तो एक गाना मेरे लिए गा दो ना प्लीज। अच्छा ऐसा है क्या, तो ठीक है रिमझिम तुम्हारी है मतलब एडवांस बर्थडे सॉन्ग है तुम्हारे लिए कि कौन सा हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू रिमझिम, हैप्पी बर्थडे टू यू। अविरचा कह रहे हैं हाय हाय अविरचा। प्रशस्ति पाठक कह रहे हैं मेरी शादी में आना बहुत खिलाऊंगी आपको, जो बोलोगे वो पक्का एकदम डन। अरे यार क्या बात है प्रशस्ति, तू ना खाने का लालच मत दे, वैसे मेरे को तेरे से ना बहुत ज्यादा प्यार है तो जानती है, और अगर मेरे हो सका तो मैं यार, लेकिन नहीं हो पाएगा सच बताओ ना शादी में आना, नहीं तो मैं आ जाता अभी ना। ये कि अपन को देखो बहुत सारे गाने करने हैं यार, बहुत सारे, एक दो यार नहीं पूरा मोहित के स्टोरी सॉन्ग्स एल्बम है तुम सबके लिए यार, तो अभी उसी पर पूरा अच्छे तरह से वर्क चल रहा है इसलिए मैं आ तो नहीं पाऊंगा, लेकिन तू जानती है यार बेस्ट विशेज है तेरे लिए हमेशा और बहुत प्यार है। और राहुल सिंह सर भोपाल आओ आप, आई लव योर वॉइस, थैंक यू सो मच राहुल यार। साक्षी रे कह रहे हैं से हाय साक्षी रे प्लीज यू आर माय फेवरेट। प्रमिला केशर कह रहे हैं बोल दो ना जरा, बोल दो ना जरा गा दो ना मोहित प्लीज। अच्छा बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। पापिया वैद के लिए आई वॉन्ट टू मीट यू अगेन। अच्छा बिल्कुल यार, मैं कोलकाता आया तो पापिया जरूर मिलेंगे। ऋषा बंसाली कह रहे मेरी शादी तो आपसे ही होनी है तो टेंशन ना लो। अच्छा अरे वाह ऋषा बताओ जरा, अच्छा लगा मुझे यार। ठीक है बात करते हैं मम्मी से तुम्हारी मम्मी से, हाँ पहले तुम्हारी मम्मी से बात करेंगे। प्राची नागपुरा हेलो मोहित प्लीज एक बार हम सफर गा दो ना यार, मुझे हम सफर नहीं आता यार, नहीं तो मैं गा देता। मितेश पटेल मोहित दादा मेरा भी बर्थडे आ रहा है, एडवांस कुछ कर दो ना, हैप्पी बर्थडे मितेश पटेल तुझे भी एडवांस में। आंचल सिन्हा यो योर मस्टैच योर हेयर जस्ट इन लव विद यू, थैंक यू सो मच यार। और अब ना अब टाइम है
वापस नेक्स्ट टाइम लाइव चैट पे आने का, नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट संडे को। तो नेक्स्ट संडे को लाइव चैट आते हैं और अभी एक दूसरे को कन्फेस कर देते हैं, वही अपना पुराना कन्फेशन, मतलब जो सच भी है और मतलब सिर्फ अपने बीच है और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। देखो मम्मी पापा को पता नहीं, ये सब अपने बीच में यार, पता नहीं लगना चाहिए। तो वो कन्फेशन है क्या? काटे नहीं कटते ये दिन, ये रात कहनी थी तुमसे जो दिल की बात, लाज मैं कहता हूँ। आई लव यू यार, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू लॉट, एंड टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट संडे को फिर से सब मिलेंगे, ठीक है? आई लव यू, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।